सो गाइज, ये जो मेरा रिकॉर्डिंग बूथ है, आज मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत खोल दूँ, थोड़ा कल खोल दूंगा किसी की मदद से। अभी मैं अकेला ही कर रहा हूँ, तो इसको खोलने का सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे एक आइडिया मिला कि इन नट्स को थोड़ा सा बैक घुमाना उल्टा, तो ये खुल गया, एक खुल गया, ये दूसरा खुल गया, इस तरह खुल जाएगा। तो मैं सीधा का सीधा इसको पूरा का पूरा पिलर के साथ ही ना बाहर निकाल दूंगा, और बाहर निकाल के फिर सीधा खड़ा हो जाएगा ये। तो अगर इसको कहीं और लगाना पड़ा ना इस दरवाजे को, तो मैं वहाँ पर ही इसे लगा सकता हूँ। तो देखते हैं थोड़ा खुलता है कि नहीं खुलता। पूरा खोल के फिर ये इस तरह के एकोस्टिक फॉर्म में लगेगी, पूरी दीवार पे कवर रहेगा, तो थोड़ा डेकोरेशन अच्छी आएगी। और बाकी यहाँ पे ऐसा हमने लगाया था, देखो। तो अभी काम चल रहा है, तो देखते हैं कितना काम पूरा हो पाता है। तो अभी ये पार्ट इसको अलग कर दिया, हल्का सा फंसा हुआ, बस निकल ही गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया। अब ये छत को हटाता हूँ, ये हटाता हूँ, ख़त्म। ये देखो, अंदर ही अंदर चूहे ने क्या कर दिया था, ये दिखता नहीं था पर अंदर गंद कर दिया था पूरा का पूरा पैनल के अंदर। और अभी सारा का सारा खुल रहा है तो दिखाई दे रहा है, बहुत गंदा हो गया। अभी जो फॉर्म बाहर लगी हुई है, आने वाले टाइम के अंदर वो भी ऐसी सी गंदी हो जाएगी, ब्लैक सी। तो इसके लिए कुछ मुझे करके रखना पड़ेगा पहले से ही, यानी कि इनके ऊपर या तो कोई पर्दा लगा के रखना पड़ेगा या कुछ, ताकि ये जल्दी गंदा ना हो, या कोई वैक्यूम क्लीनर से हर वक्त सफाई रखनी पड़ेगी, वरना इनका भी हाल ऐसा सही होगा। सारी की सारी फॉर्म हटेगी, ऐसे चिपकाए थे लोशन लगा के। जितना सीधा निकलेगा निकलेगा, बाकी वैसे भी किसी काम का नहीं है, अभी वेस्ट है। बाकी ठीक ठाक निकल ही गया, इतना पार्ट तो कहीं और यूज़ हो सकता है उल्टा करके भी। कहीं कहीं पे ज़्यादा लगाना तो ओह छेद हो गई, बात है फट ही जाना है। तो पूरी गंदगी हो गई है, मैंने कुछ हटाया भी नहीं। स्टूडियो में थोड़ा सा इतना ढक दिया, कीबोर्ड भी ओपन ही पड़ा हुआ है यार, उसका भी रिस्क है। बाकी यहाँ पे एक पिलर लगा हुआ है, इसे उतारना है। दीवारों के पीछे जगह नहीं छूटनी चाहिए, देखो मिट्टी दिमक लगती है पूरी की पूरी, इसी कारण से चूहे यहाँ आने लगते थे। किसी काम का नहीं है। कितनी मिट्टी इसके पीछे जा रही है, फॉर्म के पीछे जगह छूटती है तो बस ये घुस जाते हैं, किसी भी कहीं से जगह मिलनी चाहिए बस इनको। थोड़ा सा रह गया, अब जगह और खुल गई, यहाँ पे एक और शेयर लग सकती है खुली, या कैमरा स्टैंड लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब यूट्यूब की वीडियो थोड़ी और इजी हो जाएगी। अब इनमें कीलें लगी हुई है, देखो, अब इन कीलों को हटाना पड़ेगा। क्या यार छींक आ रही है। अभी हमने आपको दिखाया था, ये सारा का सारा स्टूडियो हमने कवर कर दिया, हटा दिया है। और अभी यहाँ पे इसको हम पैनल को खड़ा करने जा रहे हैं टांगने के लिए। तो टांगने के लिए इस तरह के हमने थोड़े से ये बनाए हैं, बनाए नहीं मतलब ख़रीदे हैं, इसके अंदर यह हुक लगेगा और ये लटक जाएंगे।
तो इसके लिए अभी ये बोर्ड के अंदर ये कील लगेंगे, ये छोटे छोटे कील, ये कील इन्हीं में जाएंगे, ये इन छेदों में और बोर्ड में लगेंगे। और इसको टांगने के लिए अलग से एक बड़ी वाली कील है, जो ये है, ये जो बड़ी वाली है इसके अंदर ये दीवार में लगेगी और फिर हम इस पर टांग देंगे और हमारा सिस्टम हो जाएगा पूरा। हिसाब से है ठीक है ना, एक छोटी सी हथौड़ी भी चाहिए और समझे इसकी अभी जरूरत नहीं है। वहां तक के लिए तार जाएगी नहीं, बोर्ड लाना पड़ेगा वहां से, ले लो कनेक्शन उसमें से। यहाँ पर हमने पहले ये गिट्टी लगा दी थी, गिट्टी लगाने के बाद इस स्क्रू से हम ठोक नहीं रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, यानी कि आप राइट साइड में आपको घुसाना है जिस तरह से घड़ी घूमती है। थोड़ा थोड़ा अंदर जाते जाते टाइट हो जाएगा ये, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ना है इसको ताकि टांगने की बस ताकत रहे, बस एक लास्ट नहीं घुमाना बस। यहाँ पर देखते हैं, वैसे तो टंग जाना चाहिए, ताकत तो होती है इनमें इतनी, देखते हैं आगे कितनी इनमें ताकत है। थोड़ा सा छोड़ूंगा बस, बाकी जब इसमें लटका दूंगा उसके बाद देख लूंगा कितनी इसमें है जान। ठीक है, ये दो टंग जाएंगे, इसको थोड़ा सा और अंदर कर देता हूँ, नहीं ठीक है बाद में करेंगे, लास्ट में जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, इतना छोड़ दिया, अब हमने किलियाँ ठोकनी है इसके अंदर, इस बोर्ड के अंदर, वो लगेगा कैसे दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये अंदर जाएगा, इसमें इस तरह से टंगेंगे और ये इस तरह से ऐसे अंदर दब जाएंगे, बस ये हो गया इनका काम। इस तरह से हमें टांगने, और हमने टांगने थोड़ा सा इसको अभी ऊपर, यानी कि इसे हम उठाएंगे हल्का सा, यानी कि नाखून जितना ऊपर करेंगे ताकि जब सफाई करें तो ज़मीन पे पानी लगेगा ना, तो वो इस कपड़े को ज़्यादा नुकसान ना दे, बस इतना सही ध्यान देना है। यहाँ पर हमने ये चार पांच कीले लगाई है, इसमें से एक जो कील है बड़ी वाली, ये लंबी कील है, यानी कि ये पहले छोटी छोटी कीले थी उनका थोड़ा सपोर्ट थोड़ा कम लग रहा था हमारे को, तो फिर हमने एक बड़ी कील लगा दी। अब ये दूसरी साइड से तो फॉर्म है, थोड़ा चुभने का डर तो है, पर ऐसे नहीं चुभेगी क्योंकि फॉर्म लगी हुई है, पर फिर भी ऊपर साइड है तो हमें कोई इतनी टेंशन नहीं है कि ये चुभ सकती है। बाकी यहाँ पर हम कैसे लगा रहे हैं वो दिखा देता हूँ आपको, ये बड़ी वाली तो मैंने लगा दी है, इसके अंदर मैं कुछ भी चीज़ ठोक नहीं रहा हूँ मैं इसमें, बस मैं यहाँ पर इस कील को रख रहा हूँ और यहाँ पर इस स्क्रू को रखा, और कुछ देर तक थोड़ा ऐसे ऐसे हल्का सा घुमाऊँगा बस मैं। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा कपड़ा है इसमें, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लकड़ी होती तो एकदम से घुस जाता है, ये घुस गया, आपको आवाज़ आ गई और एकदम फिट हो गया काम, ये इतना सही काम है। इसको टांगने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी जगह में दिक्कत हो सकती है, इसके लिए मैं लेता हूँ कुर्सी। एक तो दूसरा, एक लग गया, दूसरे को लगाने के थोड़ी मेहनत लगेगी। हो गया, दोनों एगोरे टंग चुके हैं। हम नीचे से देखते हैं कितनी जगह है, अब नीचे चक्कर हो रहा है कि अब ये वो हो रहा है, लटक तो गया ही, बबल खा रहा है, समझ रहे हो, यानी कि इसको हमने रखना पूरा इसके साथ लगा के। तो इसके लिए कुछ जुगाड़ करते हैं अभी कि कैसे रहेगा, ये हवा में लटक रहा है ना, ये ऊपर उठ गया, पहले ये नीचे था उस हिसाब से ठीक था, अब लटकने के कारण इसको थोड़ा सा अंदर दबा के रखना है इसको ऐसे,
देखते हैं किस तरह होएगा काम, दिमाग लगाते हैं कि इसमें कैसे दिमाग लगाया जा सकता है कि इसको ऐसे चिपका रहे अंदर ये, या तो एक नीचे एक लगाना पड़ेगा एक और सपोर्ट के लिए जो अंदर खींच के रखे इसको, इस तरह से कील पे टंगे वो, ये हो सकता है। नीचे लगभग ये पानी के लिए हमने बनाया था, पर अगर नहीं हुआ ना, एक तरीका और भी है मेरे हिसाब से, अगर सोलूशन लगा दें हम इसके पीछे और इस लकड़ी को चिपका दें तो ये फिर वापस बढ़िया काम कर सकता है। मेरे हिसाब से सोलूशन लगा देंगे तो इसके साथ ही चिपका रह जाएगा, कुछ देर तक हल्का दबा के रखना पड़ेगा तो शायद काम बन जाए। चलो देखते हैं। वैसे लटका हुआ दिक्कत तब दे रहा है जब कोई बार बार इसमें टच करेगा और ऐसे लटकता रहेगा, वरना ये वैसे तो कोई, वैसे वजन इसमें काफ़ी थाम लिया ना, काफ़ी वजन है इसमें, होगा कम से कम 8-10 किलो तो होगा, तो 10 किलो का वजन इसने टांग लिया है। अब देखते हैं क्या होता है, चलो आगे दिखाते हैं।